जीटीबी अस्पताल गुरुवार दोपहर गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाहरी दिल्ली इलाके के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह के शातिर बदमाश कुलदीप मान उर्फ फज्जा को उसके साथी फिल्मी अंदाज में पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर भगा ले गए। बदमाश पुलिस लिखी स्कॉर्पियो कार लेकर आए थे। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन बदमाश अपने नापाक मंसूबों में सफल रहे। वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था। अभी वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफर हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमिडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है, जिसका अभी यह इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, हम लोग कई सारी टीम्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जो इस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी खोलेंगे और फरार बदमाश को भी बहुत जल्दी। सर, कुल मिला के गैंग का मेंबर है बताया जा रहा है, सर कितना डेस्परेट, कितने मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है सर पहले से? ये डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कुलदीप जो है वो भी गैंग का मेंबर बताया। सर, कुलदीप मिला जो बदमाश जो मरा है उसका नाम क्या है? जो बदमाश घायल है उसका क्या नाम है? कुलदीप भी मिला हुआ था, उसने अपने साथियों को जानकारी दी हुई थी कि वो यहाँ पर ऐसे मेडिकल के लिए पहुंचे, पूरी प्लानिंग नजर आ रही है सर कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो आपको पता है, दिल्ली पुलिस डेफिनेटली बहुत ही प्रोफेशनली बहुत जल्दी इस सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके सारे मामले का खुलासा करेगी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो फरार बदमाश है उसको पकड़ेंगे और जो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है उसका भी खुलासा। सर, कुल मिला के कितने लोग थे जो की गाड़ी, सर कुल मिला के कितने लोग, कितने व्हीकल का इस्तेमाल किया इन लोगों ने? अभी ऐसा सुनने में आया है कि 5 से 6 बदमाश इसमें शामिल हो सकते हैं, और एक स्कॉर्पियो व्हीकल और एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो व्हीकल जो है वो हमारे कब्जे में है और उसके ऊपर हम तफ्तीश कर रहे हैं। कितने फायर किया गया, इन्होंने क्या ओपन फायर किया? देखिए, उन्होंने जो गोलियां चलाई है वो भी हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कितनी गोलियां चली हैं। हमारी तरफ से 12 गोलियां चली हैं। सर, इंजर्ड और डेथ के नाम क्या है? सर, जो जिसकी डेथ हुई है और जो इंजर्ड हुआ है। बृहस्पतिवार सुबह मंडोली जेल से कुलदीप को जीटीबी अस्पताल के सर्जरी विभाग में इलाज के लिए लाया गया था। इलाज करवाने के बाद पुलिस उसे जेल ले जाने लगी। बटालियन के जवान सर्जरी विभाग की बिल्डिंग से निकलकर जैसे ही दोपहर 12:30 डायबिटिक सेंटर गेट नंबर 8 के पास पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए करीब 10 बदमाशों ने टीम पर हमला कर दिया। कैमरे से कुलदीप का वीडियो बना रहे एएसआई ब्रह्मपाल की आंखों में बदमाशों ने मिर्च पाउडर झोंक दिया और कांस्टेबल अरविंद को पीछे से पकड़ लिया। बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से अस्पताल में भगदड़ मच गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोलियां लगी। इस बीच अन्य बदमाश कुलदीप को पैदल लेकर गेट नंबर 7 से अस्पताल से बाहर ले गए। अस्पताल से बाहर निकलते ही बदमाशों ने हवा में गोलियां चला दी और एक दंपति से बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल लूट ली। कुलदीप और उसके साथी मौके से फरार हो गए। घायल हालत में पुलिस ने दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बेगमपुर निवासी रवि को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुंडका के रहने वाले अंकेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रवि और अंकेश पर हत्या, लूट सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अंकेश से पूछताछ कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।